2016 से लेकर 2018 तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लीगल झगड़ा चल रहा था। आप उसको सुपरवाइज कर रहे थे और बहुत सारे हमारे लिए भी बड़ा, हम सरकार में बैठे होते थे, हमारे लिए रोज एक एक डेट बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, हम उसको चेस करते थे कब आई है डेट और क्या हुआ आज क्या हुआ है। 2 साल की लंबी जंग के बाद हम एक मुकाम तक पहुंचे। जंग के बाद जंग एक बड़ा अच्छा शब्द आपने, एक मुकाम तक पहुंचे और उसको भी मिसइंटरप्रेट करने की कोशिशें हुई और अब उस कानून को ही कानून की मूल भावना से ही छेड़छाड़ करके उसको बदल दिया। कितना हतोत्साहित होते मालूम पड़ता है। बहुत। देखिए इंसान है, आपने 4 साल हम लोगों ने, मेरा तो पूरा टेन्योर एज अ स्टैंडिंग काउंसिल ये केस चलता ही रहा और ये दिल्ली सरकार के लिए सबसे अहम केस था। और ये बहुत लंबा चला केस, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में इतना समय लगा और पहला ही शायद इसमें कैसा केस होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के बाद भी इतना लंबा तक एक स्टेट अपनी लड़ाई लड़ रहा है और 4 साल तक। करेक्ट। जंग चल रही है। देखिए 2015 में ये शुरू हुआ जब सरकार आई, 2016 में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया जिसमें दिल्ली को ऑलमोस्ट ये कह दिया गया कि जो दिल्ली के चुने हुए जो लोग हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, जो म्यूनिसिपैलिटी से चुन के आए हैं उनके पास ज़्यादा पावर है। कितनी अजीब बात। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब इंस्टीट्यूशन से कोई चीज़ आती है उसका आपको मान्य रखना पड़ता है और फिर प्रतिक्रिया है, आप उसको चैलेंज करिए आगे जाइए। तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, हमें पता था ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज़ है, कानूनी तौर पे इसको किस कैसे कोई भी आदमी इसको ठीक मान सकता है और ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है जो भी बोला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच थी, उन्होंने सुना, हमने पक्ष रखा और ये समझा गया कि ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाए, 5 जज बेंच के पास भेजा जाए। वो 5 जज बेंच बैठी, आपको पता ही है पहले तो बेंच बनने में टाइम लगता है, केस आने में टाइम लगता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सबने सुन देखा ही है, हमारा सिस्टम बहुत ही अजीब तरह का एक सिस्टम है। उससे लड़ना वो एक लड़ाई है और फिर कानूनी तौर पे कानून को लेकर कोर्ट रूम के अंदर लड़ना एक दूसरी मुहिम है। वो सब करके जब हम ये केस जीत गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रिंसिपल्स डिसाइड कर दिए कि एंट्री 1, 2 और 18 के अलावा पुलिस जो पब्लिक ऑर्डर और लैंड के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास है और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए जो माननीय LG हैं वो बाध्य हैं बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आए और उन्होंने ये भी बोल दिया कि इन अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो हैं, जो उनका हक है जो ऑनरेबल LG का डिफर करने का फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए, एक्सेप्शनल केस होना चाहिए, आए दिन हर दिन वाला केस नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं वकील कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। राशन स्कीम आनी चाहिए डोर स्टेप डिलीवरी की नहीं आनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आप ये बताइए अगर घर बैठे किसी को आप राशन देते हैं तो इसमें माननीय LG को और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिक्कत होनी चाहिए भैया? अगर एक ही वकील है जो आपके सारे पुलिस के केस लड़ रहा है, कितने भी सीरियस केस क्यों ना हो वो लड़ता है हाई कोर्ट में और दूसरी जगह ट्रायल कोर्ट में, तो ऐसा क्या इसमें बहुत ही सीरियस इशू है फार्मर एजिटेशन का या UAPA का लेकर या दूसरी चीज तीसरी चीज़ें लेकर, ये जो इन्होंने दिल्ली राइट्स के केस बनाए हैं इसमें ऐसी क्या खासियत है और खूबी है कि ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है? आपका क्या ऐसा भैया रोल है जिसकी वजह से आप ये करना चाहते हैं? पॉलिटिकल एजेंडा रिवील हो रहा है और हो रहा है, देख रहे हैं और तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ जब इस हद तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जब
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अवहना करने लगे तो किसको खड़ा होना है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं खड़ा होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को खड़ा होना है। कोर्ट्स को ये दिखाना है कि हमने ये जजमेंट जो दी थी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप अपनी इंटरप्रिटेशन देकर ये बोल के कि हम इसी जजमेंट को मानते हैं, इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो जो जजमेंट में बोला गया है हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए किस किस तरीके से करा जा रहा है, और आप संशोधन ले आते हैं और फिर आप बोलते हैं कि एलजी ही सरकार है और सरकार ही एलजी है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, एलजी इज दिल्ली, दिल्ली इज एलजी। तो बहुत ही अजीब बात है, कैसे कोई हजम कर सकता है इस बात को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग ऑन द ऑनरेबल एलजी अनलेस एंड अंटिल इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ही कैन डिफर एंड दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही हैज टू सेंड टू द प्रेसिडेंट। इन द मीन टाइम एलजी'स रिट विल प्रिवेल। वंस द प्रेसिडेंट एज एन आर्बिटर टेक्स अ फाइनल कॉल, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स डिसीजन विल प्रिवेल ओवर एवरीबडी। लेकिन क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैब्रिक और जो प्रिंसिपल्स डिटर्मिन कर चुके हैं उसके खिलाफ हो सकता है? नहीं, पर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो सकता है, लेकिन करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? क्योंकि चुपचाप करके देखा जा रहा है और कोई कुछ आवाज नहीं उठा रहा है, तो अब आवाज उठानी पड़ेगी। कल ये किसी और के साथ होगा, कल परसों एग्जीक्यूटिव के साथ होगा, जुडिशरी के साथ होगा, मीडिया के साथ होगा। और देखिए ब्यूटी देखिए, आपने एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, उस यूनियन टेरिटरी को आपने वो सारी पावर्स दे दी जो आप दिल्ली से छीन रहे हैं। कितनी वहां पर आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वहां आप डायरेक्ट कंट्रोल में हो। यहां आपको दिल्ली के लोगों ने, देखिए दिल्ली के लोगों के साथ कितना अन्याय है, वही दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने सेंटर में एक पर्टिकुलर पार्टी को चुना, अपना विश्वास जताया और उनको बार बार वोट दिया, बहुत बड़े बहुमत से वोट दिया। लेकिन जब राज्य की जो पॉलिटिक्स है और जब राजनीति है उसमें उन्होंने अल्टरनेटिव चुना और उसको उतने ही, उससे भी बड़े मैंडेट से उसको चुना और बार बार चुना, तो क्या ये उनके साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये उनकी पीठ पे खंजर खरोदने वाली बात नहीं है? क्या ये उनके साथ खिलवाड़ करने की बात नहीं है? तो ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं आज की डेट में वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस को खड़ा होना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को नहीं। ये दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार के बारे में बात नहीं है। देखिए आज वो हैं, 10 साल बाद क्या पता वो ना हो, 20 साल बाद क्या पता दिल्ली सरकार में कोई और सरकार हो, क्या पता अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो 15-20 साल बाद। तो उनको भी जब वो वहाँ हो तब उनको ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि आज इनको ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशंस मेंटेन रखनी चाहिए हमें। कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए, पर आजकल तो हम देख रहे हैं हर रोज़ लक्ष्मण रेखा पार होती है और डंके की चोट पे होती है और कहा जाता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या है जो आप इतना चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, ऐसा कहा जाता है बल्कि। और फिर आपको पता ही है जो क्या क्या नहीं किया जाता, उसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल डिबेट है, यहाँ तो हम पॉलिटिक्स इतनी डिस्कस नहीं कर रहे हैं।